दोस्तों, भगवान जी के भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाए, चाहे बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाए या फिर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य आते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, वे कई प्रकार के रोगों से, दुष्ट शक्तियों से कभी बाधित नहीं होते। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति उससे सहजता से बाहर निकलने में समर्थ होता है। आज हम आपको एक ऐसी ही हनुमान जी के भक्त की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं हनुमान जी के भक्त के साथ क्या हुआ था। महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में शंकर नाम का हनुमान जी का परम भक्त था। वह हनुमान जी की भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लिया था। वह रोज आंगन में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। शंकर की एक औषधि की दुकान थी। उसने कभी भी बीमार लोगों के साथ पैसे को लेकर धोखेबाजी नहीं की। वह ईमानदारी से अपने ग्राहकों के साथ पेश आता था। हनुमान जी पर पूरी श्रद्धा होने का कारण उसने धन का लालच कभी भी नहीं किया। कई बार तो वह गरीब लोगों को मुफ्त में दवाइयां दिया करता था और इसी कारण हनुमान जी उस पर प्रसन्न थे। उसे व्यापार में कभी भी घाटा नहीं हुआ। उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती। सभी के साथ अच्छा और निर्मल व्यवहार करने के कारण उससे कोई घृणा भी नहीं करता था। सभी उसे सम्मान की नजर से देखते थे। परंतु शंकर के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जिसने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। शंकर अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। इसी कारण उसके परिवार के लोग उसे विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगे। परंतु शंकर के आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण था और वह उसे तोड़ना नहीं चाहता था। बुढ़ापे में माँ से अधिक काम भी नहीं होता था, तो उसने अपने बेटे से विवाह करने के लिए कई बार प्रार्थना की। कई बार रिश्तेदारों द्वारा दबाव डालने के कारण शंकर को उनकी बात माननी पड़ी और ना चाहते हुए भी उसे अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ना पड़ा। विवाह होने के बाद शंकर की दिनचर्या ही बदल गई। अब वह कभी कभार ही हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने लगा। वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो जाने के कारण वह हनुमान जी को भूलता जा रहा था। घर के सामने बनाई गई हनुमान जी की मूर्ति पर अब धूल चढ़ने लगी थी। अब तो वो उस मूर्ति की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। और तो और उसने कई हफ्तों तक हनुमान जी को नमस्कार भी नहीं किया। शायद हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। इसी कारण शंकर के जीवन में कुछ मुश्किलें आनी शुरू हो गई। उसकी औषधि की दुकान पर ज्यादातर गरीब ही लोग आने लगे। दयावान स्वभाव होने के कारण उसने सभी को मुफ्त में दवाइयां दी, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया और फिर उस पर उन्हें क्रोध आने लगा। उसने गरीबों की मदद करना छोड़ दिया और धन का लालच करने लगा। एक बार तो उसने एक ग्राहक को गलत दवाइयां ही दे दी, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर हुआ। दवाइयों का बुरा असर पड़ने पर उस ग्राहक ने शंकर के ऊपर थाने में केस दर्ज किया, जिस कारण शंकर की औषधि की दुकान पर ताला लग गया। इतना होने के बावजूद भी शंकर के जीवन में मुश्किलों का दौर नहीं थमा और फिर अचानक से शंकर के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। पिताजी के इलाज में शंकर की सारी तिजोरी खाली हो गई और ऐसे में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे में शंकर पूरी तरह अकेला पड़ गया। उसने कई लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। फिर एक दिन शंकर अपने आंगन में बैठकर माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी अचानक उसकी नजर घर के आंगन के कोने में बैठी हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी। हनुमान जी की मूर्ति धूल के कारण पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। मूर्ति को देखकर अचानक शंकर को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत मूर्ति को साफ किया और हनुमान जी के सामने माथा टेक कर क्षमा याचना करने लगा। शंकर को सारी बात समझ में आ गई थी। उसके बाद शंकर कई दिनों तक हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। 9 दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ।
जो व्यक्ति शंकर की दवाइयों से बीमार हो गया था वह भी पूरी तरह स्वस्थ होकर शंकर से मिलने आया और उसने शंकर को दवाइयों के लिए धन्यवाद कहा। उसने कहा, जो दवाइयां आपने दी थी उससे मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। और फिर शंकर को उसकी औषधि की दुकान भी वापस मिल गई और अपने पिताजी के भी स्वस्थ हो जाने पर वे घर आ गए। इसी तरह हनुमान जी के चमत्कार ने शंकर को पुनः हनुमान जी का परम भक्त बना दिया। आज भी शंकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ हनुमान जी की रोज पूजा करता है। तो दोस्तों, हनुमान जी के भक्त की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आया हो पसंद तो इसे लाइक जरूर करें। हनुमान जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।